वो मिस्टर राकेश शर्मा। अरे दीपक, तो कितने दिन बाद मिल रहा है यार। और ये कुरियर बॉय का काम मैं कुछ समझा नहीं यार। यार वो भाई क्या हो गया, बोलना यार। वो डॉक्टर ने बोला पापा को कैंसर है, तो उनकी कीमोथेरेपी के लिए रात को कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ और दिन में कुरियर बॉय का काम, ताकि घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूँ और सब ठीक हो जाए। यार सॉरी दीपक, मुझे पता नहीं था यार, एंड मुझे तेरे पापा के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं, इसमें तू और मैं कोई भी क्या ही कर सकते हैं। तू बता ना, तू कैसा है यार, और इतने दिन बाद घर आया है, अंदर आना। नहीं नहीं यार, बस ये कुरियर है, ये राकेश जी ने बोला था कि मैं नीचे वाले फ्लोर पे दे दूँ तो। हाँ मैं दे दूँगा यार, तू इतने दिन बाद घर आया है, अंदर आके चाय पानी कुछ तो लेना यार, प्लीज यार। अच्छा ठीक है, एक ग्लास पानी पिला दे, बाहर बहुत गर्मी है। जरूर अभी आता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा अगर मेरे घर के आसपास कहीं पे भी तू कोरियर डिलीवर कर रहा हो या फिर तुझे भूख प्यास कुछ भी लगे ना, तो बेझिझक होके मेरे घर पे आ जाइयो, ठीक है? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तेरी दिल से हेल्प करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, वो और भी कुछ ठीक है। नमस्ते भाभी, आयुष घर पर है? नहीं, आयुष तो घर पर नहीं है। अच्छा, मैं दीपक हूँ, आयुष का दोस्त। हम बचपन से ही दोस्त हैं। वो क्या है ना कि मैं कुरियर बॉय का काम करता हूँ, तो उसने मुझे कहा था कभी भी मुझे पानी पीना हो तो मैं यहाँ आके पी सकता हूँ। आप एक ग्लास पानी पिला देंगे? तुम्हारा दिमाग खराब है और अपनी ना ये बकवास बंद करो। अच्छे तरीके से जानते हो तुम जैसे दो कोरी के कुरियर बॉय को। बाहर नेम प्लेट पढ़ लिया होगा और दोस्त बताकर पानी पीने के बहाने यहाँ चोरी करने आए हो। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रहे हो। सबसे पहले तो मुझे भाभी बोलना बंद करो और यहाँ से ना चले जाओ, वरना पुलिस को बुलाकर ना तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। नहीं नहीं, आप पुलिस को मत बुलाओ, मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे दीपक, अरे ऊपर से आ रहा है, पानी पिया तूने? हाँ पी लिया। बढ़िया। अच्छा चल मैं बाद में बात करता हूँ, अभी काम है कुछ। अरे क्या हो गया दीपक? अरे हाँ दीपक आया था क्या? दीपक वो कुरियर बॉय? हाँ मेरे बचपन का दोस्त है, अभी मुझे सीढ़ियों में मिला था। मैंने उसे बोला था कि आसपास अगर कहीं कुरियर कर रहा हो तो यहाँ पानी पीने आ जाइए। तुमने पानी पूछा था ना उससे? वो कुरियर बॉय तुम्हारा दोस्त था? मुझे लगा कि कुरियर बॉय तुम्हारा दोस्त कैसे हो सकता है, तो मैंने उसे चोर समझकर भगा दिया। क्या रिया, ये क्या कर दिया तुमने? वो मेरे बचपन का दोस्त है यार, और तुम्हें पता है वो कितने उसूलों वाला आदमी है। उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है, उसके बावजूद वो किसी से एक रुपया नहीं मांगता। और तुम्हें पता है वो कुरियर का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके फादर को कैंसर है, इसलिए। और तुमों की तुमने यार उसे चोर समझ के भगा दिया। पर मैं वो, मुझे बचपन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी ना, वो हमेशा मेरी हेल्प के लिए खड़ा रहता था। और तुम्हें पता है ना कि मेरे पेरेंट्स नहीं है बचपन से, तो उसके पेरेंट्स ने मुझे कभी भी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हमेशा अपने बच्चे की तरह पाला है, कभी पराया नहीं समझा मुझे। और तुमने क्या कर दिया यार? प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने इतने भले इंसान को चोर समझकर उसकी कितनी इंसल्ट कर दी। मैं खुद दीपक के पास जाकर उससे माफी मांगूंगी। रिया तुम्हारी सारी बातें ठीक हैं, पर यार कोई भी प्यासा अगर हमारे दरवाजे पर आके पानी मांग रहा है ना, तो तुम एटलीस्ट उसे मना तो मत करो। तुम ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हारी ये बात याद रखूंगी। और वैसे मैं सोच रही थी कि आजकल बाहर कितनी गर्मी हो रही है, तो हम अपनी बिल्डिंग के पास पानी का घड़ा रख दें,
जिसको भी प्यास लगेगी वो उसमें से पानी पी सकता है। हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, एक काम करते हैं अभी रख देते हैं। हाँ। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.